Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the abruptio placenta ki definition. So, abruptio एक Latin word से निकला है, Latin word. ठीक है? इसका meaning निकलता है breaking off. ठीक है? तो breaking off, abruptio means breaking off. किस चीज का breaking off? Placenta का breaking off. सिंपली इसका मतलब क्या निकल रहा है कि प्लासेंटा कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो रहा है या ब्रेकिंग ऑफ हो रहा है, टूट रहा है. ठीक है, कैसे भी करके प्लासेंटा क्या कर रहा है, टूट रहा है. सिंपल सी चीज है. ओके, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं, नॉर्मली हमें पता है कि प्लासेंटा कब सेपरेट होता है, कब निकलता है, जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है, राइट. लेकिन एब्रप्शियो प्लासेंटा एक एबनॉर्मल सी कंडीशन है जिसमें प्लासेंटा टाइम से पहले सेपरेट होकर के टूट जा रहा है, राइट. सो हम कह सकते हैं कि इमैच्योर या प्रीमैच्योर, इमैच्योर या प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा. ये डेफिनेशन मैंने ली है डीसी दत्ता से. ठीक है, तो क्या कह रहा है एब्रप्शियो प्लासेंटा कि इमैच्योर, जो कि अभी मैच्योर नहीं था सेपरेट होने के लिए, या प्रीमैच्योर, इसकी मैच्योरिटी से पहले. मैच्योरिटी का मतलब क्या है, टाइम से पहले. क्या टाइम है प्लासेंटा के सेपरेशन का, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी. ठीक है, बेबी की डिलीवरी के बाद जो प्लासेंटा सेपरेट होकर के बाहर आना चाहिए था, वो बेबी की डिलीवरी से पहले ही सेपरेट हो गया. इमैच्योर या प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा. ऐसा भी नहीं था कि प्लासेंटा एबनॉर्मली सिचुएटेड हुआ हो, मतलब सिचुएटेड हो या नीचे की ओर सिचुएटेड हो, जो उसको जगह ना मिली हो इस वजह से वो सेपरेट हो गया हो. ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे प्लासेंटा नॉर्मल जगह पे सिचुएटेड होने के बावजूद किसी ना किसी रीजन की वजह से ये प्रीमैच्योर सेपरेट हो गया. और प्रीमैच्योर सेपरेट होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी कि कहीं ना कहीं बेबी की डेथ होने के हाई चांसेस बढ़ जाएंगे. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्लासेंटा का मेन फंक्शन क्या है, या हमारा जो प्लासेंटा है इसका मेन फंक्शन क्या है, कि ये मदर से ब्लड सप्लाई ले करके बेबी को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है. किसके थ्रू प्रोवाइड करता है? ये जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये जो ऐसे ये अम्बिलिकल कॉर्ड गई है, इसके थ्रू बेबी को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है. और ब्लड में होता है ऑक्सीजन, तो अगर बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बेबी की डेथ हो जाएगी. सो ये एक तरह की क्या है, क्रिटिकल कंडीशन है, या आप इसे बोल सकते हो कि ये एक तरह का हैमरेज है. ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा. ये नॉर्मल है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे देखो, सिंपली बेबी भी आराम से अंदर है, प्लासेंटा भी है, कोई भी ब्लीडिंग के साइन नहीं है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेड कलर की ब्लीडिंग आ रही है. क्यों? क्योंकि प्लासेंटा प्रीमैच्योर सेपरेट हो गया है. ठीक है, अब इसमें जो है वो मेनली थ्री टाइप्स हैं. ठीक है, पहला टाइप आपका क्या है, आप देख सकते हो कि इसमें आपको आराम से ब्लीडिंग देखने को मिल रही है. कहाँ पे मिल रही है? वजाइना में देखने को मिल रही है. यानी कि वजाइना से ब्लीडिंग अगर बाहर की ओर देखने को मिलेगी, इसका मतलब क्या हो रहा है, ब्लीडिंग रिवील हो रही है. तो इसको हम कहते हैं रिवील्ड प्लासेंटा एब्रप्शियो. ठीक है, और इसको हम लोग मार्जिनल भी बोलते हैं. मार्जिनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक मार्जिन से प्लासेंटा सेपरेट हुआ है और उसी मार्जिन से ब्लीडिंग बाहर की ओर रिवील हो रही है. ठीक, आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा. सेकंड देखो, इसमें आपको कहीं भी वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग बाहर आने को या देखने को नहीं मिल रही है. क्यों? क्योंकि ये ब्लीडिंग जो है वो बीच में स्टोर हो रही है. बीच में क्यों स्टोर है? क्योंकि ये मार्जिन से सेपरेट नहीं हुआ, ना अबव वाले मार्जिन से सेपरेट हुआ. ये हुआ है बीच से सेपरेट, और बीच से सेपरेट होने की वजह से बीच में ब्लीडिंग क्या हो गई है, एक्यूमुलेट यानी भर गई है. ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कंसील्ड प्लासेंटा एब्रप्शियो. ठीक है,
एंड द लास्ट वन इज, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि कुछ ब्लीडिंग आपको बाहर भी आते हुए देखने को मिल रही है और कुछ ब्लीडिंग आपको यहाँ पे स्टोर्ड देखने को मिल रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये किस चीज का मिक्सअप है, या आपके रिवील का भी मिक्सअप है और आपके कंसील का भी मिक्सअप है, क्योंकि यहाँ पे कंसील वाली कंडीशन भी देखने को मिल रही है और रिवील वाली कंडीशन भी देखने को मिल रही है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड प्लासेंटा एब्रप्शियो। आई थिंक आपको तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे। रिवील का मतलब कोई चीज रिवील हो रही है, क्या चीज रिवील हो रही है, ब्लीडिंग, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवील्ड। कंसील का मतलब जस्ट अपोजिट होता है रिवील, ये यहाँ पे ब्लीडिंग स्टोर हो रही है और थोड़ी सी भी ब्लीडिंग बाहर देखने को नहीं मिल रही है, और मिक्स्ड जिसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग बाहर भी आ रही है और थोड़ी सी अंदर स्टोर भी हो रही है, ठीक है। तो इसमें से सबसे डेंजरस वाला कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको मेरा पूरा वीडियो देखना है प्लासेंटा एब्रप्शियो का, तो मैंने पूरा वीडियो बना रखा हुआ है एंड स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।